किसान भाइयों, पेड्डी गन्ने से एक बहुत अच्छा उत्पादन लेने के लिए आवश्यक है कि आप समय पे खरपतवार नियंत्रण अपनी पेड्डी गन्ने में जरूर करें। किसान साथियों, गन्ने की फसल ऐसी फसल है, अगर उसमें खरपतवार विकराल रूप ले लेते हैं तो आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगती है और आप उसमें खाद भी ज़्यादा डालने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी जैसा उत्पादन आप चाहते हैं वैसा उत्पादन आपका खेत आपको नहीं देता। किसान साथियों, अगर हम समय पे दो तीन काम निपटा लें, यानी पेड्डी प्रबंधन हम समय पे कर लें, तो किसान भाइयों हमारी कॉस्टिंग भी घटती है और हमें वैसा ही उत्पादन मिलता है जैसा हम पेड्डी से चाहते हैं। किसान साथियों, पेड्डी में हमेशा ही पौधे गन्ने से ज़्यादा उत्पादन निकलना चाहिए। अगर कोई किसान साथी पेड्डी गन्ने से पौधे गन्ने की बजाय कम उत्पादन ले रहा है तो वो लॉस में जाएगा। किसान भाइयों, पेड्डी ही ऐसी फसल है जो किसान को कम लागत में ज़्यादा लाभ पहुंचाती है। अगर किसी किसान का गन्ना हल्का भी रह गया पौधा गन्ना, तो पेड्डी उत्पादन उसकी दोनों साल की जो मेहनत है, जो कॉस्टिंग है, वो भी निकाल के लाती है और किसान भाइयों कम खर्च में ही किसान को ज़्यादा उत्पादन दे के जाती है। किसान भाइयों, पेड्डी के लिए खरपतवार नियंत्रण पौधे गन्ने से ही शुरू हो जाता है। जब हम अपने पौधे गन्ने की हार्वेस्टिंग करने वाले होते हैं तो हमें खड़े गन्ने में ही खरपतवार नाशी दवा का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे पौधा गन्ना जैसे ही कटे हमारी पेड्डी में खरपतवार हो ही ना। तो किसान भाइयों, कौन कौन सी वे दवाएं हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं, और अगर आपने अपना पौधा गन्ना काट लिया है तब भी आप उन दवाओं का अगर सही मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेड्डी में बिल्कुल भी खरपतवार नहीं उगेंगे और बहुत कम खर्च में ही आप खरपतवारों से निपटारा पा जाएंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे सभी किसानों के खेतों में उगते हैं, जो आम खरपतवार हैं, जैसे चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, जिसमें पालक आता है, चौलाई आती है, बंदरी घास बोलते हैं, ये सारे के सारे खरपतवार हल्की दवाइयों से ही समाप्त हो जाते हैं। इनके लिए आपको केवल 2,4-D एट्राजिन और मेट्रीब्यूजिन, इन तीन दवाओं का कम्बिनेशन अपने 5 बीघे खेत में करना है। मात्रा मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपको 2,4-D लेनी है 500 ग्राम पाउडर वाली लें। किसान भाइयों, आपको बाज़ार में ये लिक्विड में भी मिलेगी, लेकिन आप पाउडर वाली 2,4-D लीजिए किसान भाइयों, किसी भी अच्छी कंपनी की 500 ग्राम। इसी के साथ आप एट्राजिन ले लीजिए 500 ग्राम, ये भी आप किसी कंपनी के ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां एट्राजिन साल्ट को भी बनाती हैं। और किसान भाइयों, मेट्रीब्यूजिन भी आपको लेनी है इन दोनों दवाओं के साथ। तो तीसरी दवा है हमारी मेट्रीब्यूजिन, 250 ग्राम मात्रा आपको इसकी लेनी है। ये तीनों दवाएं आप 5 बीघे खेत के लिए एक साथ भी इनका घोल बना सकते हैं। इन तीनों दवाओं को एक साथ 10 डब्बे पानी में घोल के आप 5 बीघे खेत में कर दीजिए। खेत में किसान भाइयों नमी होनी चाहिए। अगर आपका गन्ना पौधा खड़ा हुआ है, खड़े गन्ने में आप इनको लगा दीजिए। किसान भाइयों, आपकी पेड्डी में शुरुआती 1.5-2 महीने तक खरपतवार होंगे ही नहीं, और उसके बाद हमारी जो पेड्डी है वो फुटाव अच्छा ले जाती है। ये सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है किसान भाइयों। ये दवाएं भी बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाती है। और किसान भाइयों, एक सवाल किसानों के मन में बहुत सारे किसान पूछते भी हैं कि मनोज भाई, पेड्डी गन्ने में हमें पत्तियां बिछानी चाहिए या नहीं, या सारी पत्ती को जला दें, और या एक तरफ से हमें कटिंग करनी चाहिए अच्छे फुटाव के लिए, और अगर हमने खड़े पौधे गन्ने में स्प्रे नहीं करी तो क्या इन दवाओं का स्प्रे हम पौधा गन्ना कटने के बाद भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो अभी हमने बातें करी ये सब खड़े गन्ने के लिए थी। अब इसके बाद का जो प्रबंधन है वो कैसे रहता है किसान साथियों, मान लीजिए आपने पौधे गन्ने की कटिंग कर ली और उसमें कोई दवा अभी तक आपने नहीं लगाई है, तो किसान भाइयों कटिंग करते ही आप उसमें बिल्कुल पत्ती बिछाइए। पत्ती बिछाने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं किसान भाइयों। हमारे खेतों में नमी एक तो पानी देने के बाद बहुत लंबी चलती है, हल्की नमी जब लंबी चलती है किसान भाइयों, हमारा जो पेड्डी गन्ना है वो फुटाव बहुत अच्छा लेता है, जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और किसान भाइयों खरपतवार पे इस पत्ती का हमें बहुत लाभ मिलता है। खरपतवार पनपते ही नहीं है, जो भी नीचे नमी में खरपतवार रहते हैं वो गल जाते हैं वहीं पे। तो हमें पत्ती भी अपने खेत में बिछा देनी चाहिए, इसके फायदे ही फायदे हैं। कुछ मेरे किसान साथी पत्ती जला देते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है कि भाई मुझे जलानी है, तो उस खेत में आपको निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पत्ती जलाने के बाद किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा खरपतवार खेत में उगता है। अब एक स्थिति किसान के सामने और आती है,
कई मेरे किसान भाई कहते हैं कि मनोज भाई हमारे खेतों में तो बहुत ही जटिल घास जमता है, इसका समापन हम कैसे करें? किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में बहुत भयंकर घास जमती है, इस प्रकार की घास जमती है कि इन दवाओं से नहीं मरती, तो किसान भाइयों आपको उसका प्रबंधन पौधे गन्ने से ही शुरू करना है। जब आप अपने पौधे गन्ने की हार्वेस्टिंग करने वाले हों, इन दवाओं के साथ साथ आप पैराक्वाट दवाई का इस्तेमाल करिए। पैराक्वाट एक ऐसा साल्ट है किसान भाइयों जो नॉन सिस्टमिक है, यानी जिस चीज़ पे लगेगा उसको ही जलाएगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि ये हर प्रकार के घास को जला देता है, चाहे वो कोई भी घास हो। तीसरा इसका फ़ायदा ये है किसान भाइयों कि ये पौधे की जड़ के द्वारा नहीं चढ़ता, यानी अगर हमने खड़े गन्ने में इसका स्प्रे करा तो हमारा गन्ना नहीं जलेगा। हमारा जो गन्ना है वो जड़ के द्वारा इस दवा को अवशोषित नहीं कर सकता, ये दवा जड़ के माध्यम से नहीं चढ़ेगी। हमारी मिट्टी पे इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस साल्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। बस सावधानी यही है कि जो हमारा गन्ना पौधा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा है, गन्ने पर अगर ये दवा लग भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं करेगी। इस दवा का इस्तेमाल आप अपनी छोटे छोटे गड्ढे में नहीं कर सकते। हाँ, खरपतवार को समाप्त करने के लिए अगर आप बड़े गन्ने में किसी दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पैराक्वाट एक बहुत अच्छी दवा है। किसान भाइयों, कैसा भी जटिल घास ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का हो, आप इन दवाओं के साथ 30 ml दवाई पैराक्वाट डाल दीजिए प्रति टंकी। किसान भाइयों, बिल्कुल बहुत सस्ती ये दवा मिलती है, 400 रुपये में 1 लीटर। आपके खेत से सभी प्रकार के खरपतवार बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, ये पेड्डी प्रबंधन यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद हम एक अच्छी डोज पहले पानी पे अपनी फसल में लगाते हैं, जिससे अच्छा फुटाव आता है। अगली वीडियो में फुटाव के लिए ही बनाऊंगा कि अच्छा फुटाव के लिए हमें कौन कौन से खाद अपनी पेड्डी में शुरुआत में देने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही हमारी फसलों को ज़्यादा खादों की ज़रूरत रहती है। धन्यवाद।